जैन साथियों, मैं आज आपके लिए फिर से एक बार चिन्ह लगाना सिखाएंगे। जो पार्ट वन मैंने आपको बता दिया था, ये वाला इसका पार्ट टू है, जो कि इस प्रकार है। उसमें कुछ चिन्ह रह गए थे, जैसे कि प्लस और गुणा का बता दिया था, और माइनस और भाग का, डिवाइड का यानी रह गया था, वो चलिएगा हम देखते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि वो पार्ट वन था, ये पार्ट टू है। तो इसमें हम देखते हैं, ये प्लस और प्लस को जब घटाना है तो या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। तो देखिएगा कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 और माइनस का, हमें 5 और 3 को घटाना है। देखिएगा ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन किस में बचेगी? प्लस में बचेगी। अब ये माइनस की कंडीशन दी हुई है, तो इसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी तो बड़े में से छोटे को घटाया था, तो प्लस का आया। जैसे उल्टा कर देते हैं इसी को हम, यानी 3 में से हम 5 को घटा देते हैं, ठीक है। अब उल्टा हो गया ना, क्योंकि हमारा ये बड़ा अंक है वो माइनस का हो गया है। तो इसमें किसका बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। अब चलिएगा इसमें इसी तरह से ये भी है, और चलिएगा ये वाला लेते हैं सवाल हम। तो जिसमें कि पहले प्लस में से प्लस और माइनस को आपस में जब घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का बचेगा। कैसे बचेगा देखते हैं। जैसे कि 8 और माइनस, माइनस का 2 घटाएंगे, ठीक है। देखिएगा ये प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, और उसके बाद में जब हम इसे कोष्टक खोलेंगे तो हमारा इधर प्लस का हो जाएगा 8, और इधर कितना? प्लस का 2, तो हमारा 10 हो गया। और इसी तरह से हम अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि माइनस माइनस को घटाएंगे या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। तो देखते हैं कंडीशन क्या बनती है इसमें, यानी माइनस का 3 में माइनस, माइनस का 2 घटाना है, ठीक है। तो प्लस वाली कंडीशन हमें लेनी है, कैसे प्लस आता है। तो चलिएगा देखते हैं हम। तो इसमें आपको क्या करना है, माइनस का 3, माइनस 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, माइनस का 1 आएगा, यानी पहले माइनस वाली कंडीशन आ गई है। अब हम प्लस वाली कंडीशन देखते हैं। जैसे कि हम सवाल देखते हैं, माइनस का 3 और माइनस कोष्टक में माइनस का 5, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है हमारा, माइनस का 3 और उसके बाद में ये देखिएगा, यहाँ पर माइनस का 3, फिर यहाँ पर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 5, ठीक है। अब हमारे बड़ा अंक है ना, उसके अंक प्लस आ गया, अब हमारा तो प्लस का ही बचेगा, तो हमारा यहाँ पर कितना, 2 बच गया। अब भाग वाली कंडीशन देखते हैं। जैसे कि भाग वाली कंडीशन यहाँ से शुरुआत होती है, जैसे कि हमारा लिया है 10 में भाग 2, ठीक है। देखिएगा ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो हम काटेंगे कितना, 5 बार जाएगा, तो हमारा प्लस का बच गया। अब इसमें देखते हैं हम ऊपर वाला, यानी 8 में भाग हम किसका करेंगे, माइनस का 2 का करेंगे, तो 2 चौक 8, ठीक है। कितनी बार, 4 बार गया, लेकिन माइनस है ये तो हटेगा नहीं, तो हमारा माइनस का माइनस रहेगा। इसी तरह से हम इसमें लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या, दोनों में माइनस है, ठीक है। तो माइनस का 16 और इसमें भी माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 चौक 16, तुम्हारा कितना, 4 प्लस का आएगा, जो भी यहाँ पर दिया है प्लस की कंडीशन। इस तरह से जो भी है मैंने आपको सारे चिन्ह बता दिए गए। तो आपको वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद।